साउंड सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीपीएल इलेक्ट्रॉनिक चैनल सर्किट को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और अगर आप हमारे पुराने वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे नाम पर क्लिक करके और वीडियोस पर जाके आप हमारी पुरानी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सारी आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हैं वीपीएल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे एक एमआई का स्पीकर है जिसमें आवाज़ ख़राब आ रही है, या तो हो सकता है इसके अंदर कोई कटिंग घुस गई होगी, जैसे कि छोटी छोटी ये जो वायर की कटिंग होती है, जैसे कि इस तरीके की कोई कटिंग वटिंग इसके अंदर घुस गई होगी इस जाली में से, या तो फिर कोई स्पीकर ख़राब हो गया होगा। मैं अभी आपको इसके अंदर गाना प्ले करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर इस वक्त कैसी आवाज़ आ रही है, फिर उसके बाद हम इसे ओपन करके देखेंगे क्या कमी है, फिर उसका सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका गाना सुना के दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप ये दोस्तों देख सकते हैं, इधर साइड का जो स्पीकर है उसमें कमी है कोई, वो ठीक से नहीं बज रहा है। तो चलिए हम इधर साइड वाले स्पीकर को ही ठीक करके देखते हैं। तो चलिए मैं इधर साइड वाले स्पीकर को खोल लेता हूँ, इस एमआई स्पीकर को खोल लेता हूँ। इसको खोलने के लिए आपको इधर साइड इस तरीके से, सबसे पहले इसके ऊपर एक टेप लगी होगी, उसे आपको छुटाना होगा। वो मेरे पास से कहीं खो गई है टेप छूट के, तो इस तरीके से आप इसे छुटा ले सकते हैं। और एक ये माइक का जो कनेक्शन है वो वहाँ लग रहा होगा, आप इस माइक के वायर को पकड़ के खींचेंगे तो ये बाहर को निकल जाएगा। इसे चिमटी के जरिए लगाना रहता है दोबारा। और इधर साइड से आपको इस तरीके से दबाना है, जैसे आप इस तरीके से करके दबाएंगे तो ये इधर साइड से थोड़ा सा आएगा, फिर इसे खींच लेना, ये बाहर निकल जाएगा। ये अलग हो गया, ये इसका कवर है, और ये हो गया हमारा ब्लूटूथ का स्पीकर। तो अभी भी देख सकते हैं ये अभी भी बज रहा है, सॉरी। तो ये वाला खराब है, देख सकते हैं आप। तो हमारा इधर वाला स्पीकर खराब है, इस तरीके से भी आवाज कर रहा है और ये नहीं कर रहा कोई आवाज़। तो ये वाला स्पीकर ख़राब है, अब हम इसे खोलेंगे। सबसे पहले आपको इसको बंद कर लेना है, सॉरी इस वाले से बंद हो गई, ये बंद हो गया है। तो दोस्तों इतना निकलने के बाद, जैसे कि हमें पता है इधर वाला स्पीकर ख़राब है, ये याद रखना है कि स्पीकर कौन सा वाला ख़राब था, ठीक है। अब हम इसे करेंगे ओपन, क्योंकि अब हम अगर इसे ओपन कर लेंगे तो उसके बाद हमें नहीं पता चल पाएगा कौन सा स्पीकर ख़राब है। खैर इसमें तो आवाज़ कर रहा है, तो पता चल जा रहा है कि हाँ इधर वाला स्पीकर ख़राब है इस तरीके से दबाने पे। तो चलिए अब मैं इसकी बैटरी निकाल लेता हूँ। सबसे पहले बैटरी इस तरीके से आप इधर साइड से आराम आराम से इसे निकालने की कोशिश करेंगे तो निकल जाएगी, हीट करने की ज़रूरत नहीं है, बिना गर्म करे भी ये निकल जाएगी। फिर इस तरीके से बैटरी पकड़ के वायर को खींचना है, वायर बाहर आ जाएगी ये जो कि यहाँ पे लगी रहती है लॉक में। उसके बाद इसके अंदर जितने भी स्क्रू हैं उसको खोलना है आपको। याद है कि बैटरी को किसी पैनी चीज़ जैसे कि पेचकस वगैरह हुआ या कोई चिमटी इस तरीके की चीज़ों से नहीं निकालनी है, वरना बैटरी में छेद हो जाएगा, उसके बाद बैटरी ये ख़राब हो जाएगी। एक बार छेद हो जाएगा बैटरी में तो उसके बाद ये ख़राब हो जाती है बैटरी, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। तो दो इधर भी है, इसे भी खोल लेता हूँ। तो ये सारे स्पीकर हमें पेज को रख लेता हूँ मैं, क्योंकि ये बाद में काम आएंगे, इसके अंदर दोबारा कसना होगा इसको, तो ठीक है ये होगा। ये सारे के सारे स्पीकर इधर आप देख सकते हैं। अब क्या करना है आपको, इसका लॉक हटाना है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं ये रहा ये कि ये लॉक, इसको आप इस तरीके से ऊपर को हल्का से उठाएंगे ब्लैक वाले को, तो उसके बाद ये जो कि निकल जाएगा। उसके बाद मैं आपको इधर वाले दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसको इस तरीके से हल्का से ऊपर उठाना है, ये उठ जाएगा, उसके बाद से ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। और अब उसके बाद इसे हम निकाल लेते हैं, सॉरी। यहाँ देख सकते हैं आप कि एक एंटीने के लिए ये सोल्डर करा हुआ है, तो मैं इसे डिसोल्डर कर देता हूँ, हटा देता हूँ इसको यहाँ से। तो ये डिसोल्डिंग कर दिया मैंने, ये है इसका बोर्ड, जैसे कि आप ये देख सकते हैं जो भी है इसमें, इस तरीके से आप ये देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई है। हालांकि मेरे को इनके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता, मैंने अभी देखा नहीं है इसको ठीक तरीके से बोर्ड को। तो चलिए हमें इसका जो स्पीकर ख़राब है हम उसको बदलते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि ये वाला स्पीकर ख़राब है,
इस तरीके से था पहले, इधर बटन थे, तो ये वाला स्पीकर ख़राब था। तो चलिए हम इसको बदलने के लिए हमें करना क्या है कि आप ये देख सकते हैं, हाँ ये साफ पता चल रहा है कि स्पीकर अगर इधर को हल्का से घूमेगा तो ये अनलॉक हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा। तो चलिए हम इसी तरीके से इसे उधर को घुमाने की कोशिश करते हैं, इसे अनलॉक करने की। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ इस तरीके से जगह बनानी है हमें हल्की हल्की सी, और इसको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से करना है जिससे कि अनलॉक हो जाए। तो ये इस तरीके से हो गया, थोड़ा इधर से रह गया। चलिए अब इसे इधर से भी करके ये देख सकते हैं, ये हो गया अनलॉक और ये इस तरीके से बाहर आ गया। अब देखते हैं कि हम इसके अंदर दूसरा स्पीकर कौन सा लगा सकते हैं। इसी साइज में होना चाहिए, जो हाइट है उसकी इतनी होनी चाहिए, चौड़ाई इतनी। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा लग सकता है। तो दोस्तों जैसे कि देखते हैं कि है ये सबसे छोटे में है मेरे पास, तो चलिए मैं इसे ही एक मिनट निकाल के लगा के देखते हैं इसको, ये वाले इसके अंदर चल जाएगा या नहीं चलेगा। नहीं चलेगा फिर लाना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं जो इसकी हाइट और इसकी हाइट में बहुत ही हल्का सा अंतर है। वैसे भी अगर देखें तो हम, तो ये इस तरीके से लगा रहता है, अगर इधर साइड देखें तो इस तरीके से लगा रहता है, आई थिंक, सॉरी इस तरीके से नहीं रहता ये, सॉरी इस तरीके से रहता है, इस तरीके से ये लगा रहता है। और यहाँ पे काफ़ी जगह बची रहती है अगर हम इसे लगा भी देते हैं, उसके बाद भी आप देख सकते हैं हल्का सा स्पेस बचा रहता है इसके लगाने के बाद भी। और इसके ऊपर ऐसी कोई चीज़ नहीं आती बैटरी के ऊपर, अगर ये स्पीकर के ऊपर ये इस तरीके से लग जाता है उसके बाद ये बैटरी आती है, और हमारे इधर ये नहीं आएगा इस साइड में, अगर लगता है तो देखेंगे। तो चलिए पहले, सबसे उससे पहले बात तो ये है कि ये इसके साथ कैसे चलेगा। अब हम इसके देख लेते हैं कि इसके पीछे क्या लिखा हुआ है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं 4 ओम 3 वाट का ये स्पीकर है, सॉरी ये देख सकते हैं 4 ओम 3 वाट में है ये, और ये देख लेते हैं हम एक बार। तो ये 8 ओम 2 वाट है, तो आई थिंक चल जाएगा, इसमें ओम ज़्यादा है 2 वाट में, इसमें ओम कम थी 3 वाट में, तो चल जाएगा, ख़राब नहीं होएगा, बट ये थोड़ी सी आवाज़ कम आएगी। तो चलिए अब हम इसे चला के एक बार देखते हैं। चलाने के लिए हमें फिर से वही ऑन करना पड़ेगा पहले तो इसको। तो चलिए इसे ऑन करते हैं पहले। तो ये किस तरीके से लगा हुआ था, ये ऐसे लगा हुआ था इसका पत्ता जो कि, सॉरी पहले हमें इसके थोड़े टाँके मारने पड़ेंगे, जैसे कि मेरे पास एक ये वायर है, मैं इसके टाँके मार लेता हूँ। इसको यहाँ पे फिट करना पड़ेगा जिससे कि ये बस ऑन वाला बटन इसका काम करे। तो ये लग गया देख सकते हैं आप, ठीक है। अब चलिए हम इसे कर लेते हैं ऑन। तो इसे ऑन करने के लिए हमें सबसे पहले इसके अंदर लगानी पड़ेगी एक बैटरी, जो कि ये रही, इसी की बैटरी है, ये लग गई है यहाँ पे। और अभी हम इसे करते हैं यहाँ से बटन दबा के ऑन। तो थोड़ी हल्की सी आवाज़ आई, आई थिंक आपको सुनाई नहीं दी होगी। तो अब मैं इसे गाना प्ले कर लेता हूँ, कनेक्टेड भी आ गया इसमें लिखा हुआ। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैं आवाज़ बढ़ा देता हूँ, तो ये जो है ये इसकी आवाज़ है, सॉरी, तो ये अब इस वाले स्पीकर की आवाज़ है। इसके सामने इसकी आवाज़ तो पता भी नहीं चल रही है, ये इसकी आवाज़ है अभी, और ये इसकी, खैर अंतर तो रहेगा ही, ये क्वालिटी की चीज़ है वो वाली, और ये वैसी है नॉर्मली। तो चलिए मैं अभी क्या करता हूँ, अभी एक बार इसे लगा के चला के देखता हूँ कि किस तरीके से लगने के बाद कैसे चल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दोबारा इसकी बैटरी वैटरी निकाल देंगे इसे बंद करके। खैर बंद करने के लिए दोबारा बटन का कनेक्शन करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली बैटरी निकाल देते हैं। तो अब इसके लिए हम इस वायर को हटाएंगे, सबसे पहले तो साइज देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को मिला लेते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं आप कि पर्दे में ही काफ़ी अंतर है, ये वाला थोड़ा बड़ा है इसका पर्दा, इसका छोटा है, देख सकते हैं आप। और दूसरा जो इसकी गोलाई है, अगर आपको गोलाई नापनी होगी तो आप इस साइड से लगाने की कोशिश करेंगे तो नहीं देख पाएंगे किस तरीके से है। तो हमें इस तरीके से उल्टा लगाना होता है, फिर देख सकते हैं हम इसकी गोलाई। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि, तो देख सकते हैं कि काफ़ी जगह बच रही है। तो हमें क्या करना होगा कि जितना ये गोला है उतना हमें इसको घिसना पड़ेगा हल्का हल्का साइड में से, यहाँ से इधर इधर साइड से घिसना पड़ेगा, फिर इसके अंदर फिट करके बाकी जगह जो बचेगी वहाँ मैं हॉट ग्लू की जो मशीन है वो लगा दूंगा इसके अंदर। तो चलिए पहले मैं इसको गोल कर लेता हूँ जितना इसके अंदर
फिट हो जाइए इसका गोले जितना, तो देख सकते हैं आपको हल्का हल्का घिसना पड़ेगा बस इसको। तो चलिए घिस के फिर बताता हूँ मैं आपको एक बार। तो थोड़ी थोड़ी गैपिंग बच रही थी, हमें इस गैपिंग को भी थोड़ा सा और काटना पड़ेगा बस हल्का हल्का। इसके लिए कटिंग वाला कटर ठीक रहता है, वैसे तो अभी वो है नहीं मेरे पास, नहीं तो उसी मैं अभी कटिंग वाले कटर से काटते इसको। तो चलिए फिलहाल के लिए हम इसी से काट लेते हैं जब तक। तो आई थिंक अभी फिट हो जाएगा, अभी भी हल्का हल्का रह रहा है किसी एक साइड से, जो कि इधर वाली साइड होगी शायद, क्योंकि बाकी तरफ से तो अच्छी तरीके से हो गया ये। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हर तरफ से फिट हो गया है, बस मुझे बहुत ही हल्की हल्की से साइड में ग्लू मारनी होगी अगर ज़रूरत पड़ी तो। तो चलिए अब एक काम करते हैं हम, सबसे पहले तो हमें जो ये वाली वायर है ये तो हल्की से नहीं लग सकती, इसके अंदर हमें इसके अंदर लगानी होगी पतली वायर। तो मैं इसे निकाल देता हूँ, और हम इसके अंदर लगाएंगे काफ़ी पतली वायर जो कि इसके अंदर आराम से आ जाए। तो दोस्तों मैं इसके अंदर ये वाली वायर यूज़ करूँगा, तो चलिए मैं इसके टांके लगा देता हूँ इन दोनों जगह पे, एक इधर साइड, हालांकि इसमें प्लस माइनस नहीं लिख रहा है तो अंदाजे से इसका टांका मारना पड़ेगा। तो एक और एक इधर साइड, कोई साइन भी नहीं बनना है प्लस माइनस का, मैं एक बार और देख लेता हूँ। आप भी देख सकते हैं कि कोई साइन नहीं बना हुआ है जिससे कि पता चल जाए कि इसमें कौन सा साइड प्लस है कौन सा साइड माइनस है। तो ये हो गया, एक बार बोर्ड लगा के देख लेते हैं, जैसे कि बोर्ड तो आराम से आ ही जाएगा क्योंकि मैग्नेट जो है थोड़ी पतली है। नहीं खैर मैग्नेट का साइज सब बराबर है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, मैग्नेट पतली है बराबर है। तो जैसे कि आप ही देख सकते हैं मैग्नेट है बहुत ज़रा सा अंतर है, थोड़ी सी है बड़ी है ये वाली, ये थोड़ी छोटी है। तो अब इस तरीके से मैं लगा देता हूँ इसके अंदर, अगर ये सही नहीं बजा मतलब दोनों एक साइड अप और डाउन होना चाहिए जब ही बेस अच्छा आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो मैं इसे लगा देता हूँ और फिर एक बार इसे चेक कर लेंगे, अगर सही से नहीं बसता है तो हमें बदलनी पड़ेगी वायर, आपस में चेंज करना पड़ेगा। वो तो खैर हम बूफर की तरफ से भी कर सकते हैं चेंज, तो इसे फिक्स कर देता हूँ मैं। तो ये हो गया, इसका लग गया है। टेम्परेरली हम दो पेच लगा देंगे इसके ऊपर बोर्ड रख के, ठीक है। तो यार बोर्ड रख देता हूँ मैं जिससे कि हमें पूरा अंदाज़ा मिल सके कि सारी चीज़ें इस पे आ जाएंगी या नहीं आ पाएंगी। तो ये बोर्ड अभी कहीं अट रहा है, अच्छी तो इसके ऊपर नहीं आना चाहिए जो पैसिव रेडिएटर है, क्योंकि अगर पैसिव रेडिएटर के ऊपर आएगा तो वाइब्रेशन करेगा तो आवाज़ करेगा फिर वाइब्रेशन के टाइम पर। खैर मैं सारी वायरें चिपका दूंगा जिस टाइम पर पैक करना रहेगा इसे अच्छी तरीके से। तो अब इसको कर देता हूँ मैं, पेच वेच लगा देता हूँ इसकी। तो ये भी लग गई और battery power is about 60%।
तो आप ये देख सकते हैं मैंने पलटने के बाद अब आवाज़ इसकी सही आ रही है, तो अब मैं इसे पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। और एक और चीज़ है कि जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि बैटरी का जो ये कवर है, अगर मैं इस कवर को लगाता हूँ तो बैटरी इसके ऊपर सही से फिट नहीं हो पाती है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस बैटरी को निकाल के मैं सबसे पहले इसे फिक्स कर देता हूँ, और मुझे ये जो नक्का देख सकते हैं आप, इसे काटना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर ज़्यादा पीछे हो जाएगी बैटरी तो इसी स्पीकर पे जाके लगती है, तो हमें इतनी दूरी पे करके लगाना पड़ेगा इसको। तो चलिए मैं इसका कनेक्शन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ एक बार और। तो चलिए मैं इसे फिक्स करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि अभी दोस्तों देख सकते हैं, अब ये नक्के को ऊपर आ गई है बैटरी, और अगर मैं इधर करता हूँ इस साइड को, तो ये स्पीकर के ऊपर आ जा रही है, जो कि ये वहाँ पर जाके लगेगी। अगर आपको चेक करना है कि कितनी लगेगी बैटरी या किस तरीके से उसके ऊपर जाके लगेगी, तो आप इस तरीके से इसका कवर ले सकते हैं और इस तरीके से लगा के देख सकते हैं आप। तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये इतना हिस्सा इसका लग रहा है, जितनी ये गैपिंग आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो हमें करना क्या होगा कि अब इसको थोड़ा सा इधर करके ही ये हमें ये वाला जो नक्का है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे काटना पड़ेगा। तो जैसे कि आप ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये अच्छी तरीके से चिपक गया है इसके साथ ही, तो अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब हम इसे लगा के देख सकते हैं इसके साथ। उससे पहले हमें यहाँ देख सकते जहाँ जहाँ हमें गैपिंग दिख रही है वहाँ ये ग्लू गन है एक, जो कि मेरे पास तार खींच लेता हूँ, तो इसको मैं जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगा देता हूँ। तो चलिए अब हम इसे एक बार चला के देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसको इसके अंदर फिट कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपको इसकी एक बार और आवाज सुना दूंगा। और यार ये छूट गया है, ये तो हॉट ग्लू से नहीं चिपकेगा, इसको चिपकाना पड़ेगा उससे बोनफिक्स वगैरह से। तो आराम आराम से जब भी आप कोई कुछ अलग किया हो इसमें, तो आराम आराम से इसे डालने की कोशिश करें, जिससे कि अगर बैटरी वैटरी कहीं अड़ती है तो एकदम ही वो ना हो, कटे ना, हल्का सा वो लगा होगा। तो ये इसके अंदर चला गया अच्छी तरीके से, यहाँ से भी दबा देना आपको अच्छे। तो ये हो गया इसके अंदर फिट, तो आप ये देख सकते हैं। अब उसके बाद मुझे करना है प्ले गाना। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।